प्रयागराज। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की हुआ ऐसी की तैसी। प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में बड़ी संख्या में शहर के डॉक्टरों का जमावड़ा लग गया और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तार तार कर दिया। मामला नर्सिंग होम के डॉक्टरों की ट्रेनिंग का है, जहां डॉक्टरों को कोविड कोरोना से बचाव के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था और डॉक्टरों को बुलवाया गया, पर ना तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था था और ना ही किसी प्रकार का आयोजन संबंधित कार्य व्यवस्था। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज से जब पूछा गया तो उन्होंने इस विषय में जानकारी न होने की बात कही तथा उन्होंने यह बताया कि वह तो मीटिंग में थे और अगर इस प्रकार का कोई कार्य हाँ किया गया है, यह पूर्णतः अनुचित है और मीटिंग के लिए चरणबद्ध तरीके से ट्रेनिंग इत्यादि के कार्य कराए जाएंगे, अतः इस तरीके से भीड़ लगाना पूर्ण रूप से गलत है। इतने संवेदनशील तरीके से इन लोग के मेथड को डील कर रही है, लेकिन इनका कोऑपरेशन भी अपेक्षित है। अभी जैसा कि अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा पता लगा कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स धज्जियाँ उड़ा दी गई, जो कि सारे प्रबुद्ध वर्ग शहर का शायद यहाँ था, जो मैं तो मीटिंग में था जैसा मुझे पता लगा। अगर हमारे हॉल में या मीटिंग हॉल जगह नहीं तो भीड़ बढ़ाना इन पढ़े लिखे लोग का काम नहीं हो सकता था। इन लोग को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए अपनी बात हमें पहुँचानी चाहिए थी और मैंने इनके प्रतिनिधि से बात भी करी है कि मैं सबकी लिस्टिंग कर दूंगा, जितनी जगह जहां पर होगी सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर, मैं इनकी ट्रेनिंग दो बैच तीन बैच चार बैच में करवा दूंगा, पहले भी करवा चुका हूं। सबसे दुखद पहलू यह है कि इन सारे लोग की ट्रेनिंग मैं चार बैचेज में लगातार करवा चुका हूं, उसके बाद भी ये लोग कोई नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर अब मैं हमारी टीम जाने लगी, अब हम इस समय देखिए कार्रवाई से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं। कार्रवाई करने से जो लोग जो अस्पताल चिकित्सालय प्राइवेट क्लिनिक इन्फेक्शन प्रिवेंशन के मानकों को पूरा नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत होगी।